बोलिए वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज अरहंत सागर जी महाराज की, देवाई देव 1008 भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की, नमोस्तु महर्षि। सारी भूमिका को विराम देते हुए सबसे पहले मैं आज प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रशांत जी सुपुत्र श्री राजेंद्र कुमार जी जैन श्रीमणी संरक्षक गुणायतन, जिन्हें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का ध्वजारोहण करने का, वे आए और प्रथम प्रश्न पत्र का समाधान प्राप्त करें। श्रीमान प्रशांत जी सुपुत्र राजेंद्र कुमार जी जैन मुंबई, तालियां बजाकर अभिनंदन करें। ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे सामने है जिनके माध्यम से हम अपनी शंकाओं को तिरोहित कर पाएंगे। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ज्ञान बहुत अल्प है और मेरी शंका भी उसी के अनुरूप है। जब हम मंदिर जी जाते हैं पूजा अभिषेक इत्यादि के लिए, तो एक समय सीमा लेके जाते हैं क्योंकि कार्य पर जाना होता है। तो उसमें हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम थोड़े जल्दी में अधिक पूजा कर लें और या और भाव से धीरे धीरे कम पूजा करें, इसी प्रकार से अभिषेक में भी। तो इसमें दोनों में क्या कौन सा बेहतर है और क्यों? बहुत सुंदर। देखिए, कोई भी धार्मिक क्रिया करे तो हम उसकी मात्रा की जगह उसके गुणों की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा है। हड़बड़ी में की गई चार पूजा की अपेक्षा इत्मीनान से की गई एक पूजा ज़्यादा अच्छी है। पूजा तो हमने पढ़ ली और मन नहीं लगा तो क्या मतलब है? चाहे माला करना हो, जाप करना हो, पाठ करना हो, चाहे पूजा। दिक्कत तब होती है जब लोग बहुत सारे नियमों में बंध जाते हैं, अरे ये भी पूजा, इसका भी नियम। और किसी दिन कोई दूसरी व्यस्तता आ जाती तो फिर कोरम पूरा होता है कि ये भी कर ले, बिल्कुल फड़फड़ करते हैं। तो ये ठीक नहीं है। आप पूजन कीजिए, पूजा तुम्हारा धर्म है, पर कितनी पूजा करना ये नहीं। तो महाराज, आपने तो शॉर्टकट बता दिया, आप तो जाएंगे 5 मिनट में एक पूजा करके आ जाएंगे। ये पूजा हम कर रहे हैं अपने मन को लगाने के लिए, पूजा के तो एक बहाना है, पूजा है भगवान के साथ अपने संवाद जोड़ने का माध्यम। तो इस बहाने हम जितना संवाद जोड़ सकें जोड़ने की कोशिश करें तो हमारा जीवन ज़्यादा अच्छा हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सत्य और संस्कृति का सजा भव्यतान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। आत्मविकास का दिव्य सदन गुणायतन, परमपुर गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। भव्य जनों, गुणायतन परमपुर गुरुदेव की परिकल्पना है जो कुछ ही माहों में अशेष हो रही है, लोकार्पित होगी। और लोकार्पण कार्य बन रहे हैं आप, आपकी उदारता, आपका उदार आशय, जिसके बल पर इतनी बड़ी परिकल्पना सहज रूप से संभावित हो रही है। आज भी अपनी उदारता का परिचय देकर के बहुत से भव्य जनों ने अपने जीवन को धन्य किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप उनको सहायक दुगुण करने के लिए करतल ध्वनि अवश्य करें। निर्माण अधीश श्रीमान दीपक कुमार जी भारती जी जैन, श्रीमती संगीता जी जैन उदयपुर से संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र के रूप में डॉक्टर साधना जी कांतिलाल सरैया, डॉक्टर जैमिन भट्ट आनंद गुजरात से जुड़ करके जीवन को धन्य कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और निर्माण सारथी के रूप में अपने जीवन को सारथ प्रदान किया है श्रीमान आशीष जी अग्रवाल, श्रीमती प्रभा अग्रवाल इंदौर ने, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां लगातार बजे। एक नाम मोदी नगर से गुप्त रूप में आया है, गाजियाबाद से जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और आज यहाँ प्रत्यक्षतः अपने आप को सुधार के रूप में जुड़ करके उपस्थित हुए हैं श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमती सुधा जी जैन जयपुर से, वे आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए सत्सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुदेव की श्रीमान संरक्षक श्रीमान पारस जी जैन एवं श्रीमान विजय सराव की कोलकाता को, वो आए इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान पारस जी जैन आगरा श्रवण संरक्षक गुणायतन, श्रीमान विजय जी सराव की कोलकाता श्रवण संरक्षक गुणायतन, ए आए इनका सम्मान करेंगे श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमती सुधा जी जैन जयपुर का। तालियां लगातार बजती रहे। ये असंबद्ध हुए शुद्धर के रूप में, इन्होंने शुद्ध सुझाए हैं गुणायतन के अपने जीवन में, बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह अपने आप को गुणायतन के संस्थापक सच के रूप में संबद्ध करके जीवन को
एक अभूतपूर्व निधि प्रदान की है श्रीमान देवेंद्र कुमार जी ऊषा जी जैन जयपुर ने, और गुरुदेव के चरणों में आए अभिनंदन करने के लिए। साथ में आए इनकी बेटी दामाद स्वाति राहुल जी, दीक्षा समर जी जैन हैदराबाद से, ये सब आए। हाँ, गुरुदेव के चरणों की अभिनंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ गणतंत्र के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला किरण जी काला कोलकाता एवं श्रीमान एन एल जैन साहब कोषाध्यक्ष गणतंत्र, ये आए और इनका सम्मान करके गणतंत्र के गौरव को महिमा मंडित करें। आपकी तालियां लगातार बजते रहे। ऐसे व्यक्तित्व जो जाने कहाँ कहाँ गुरुदेव की वाणी को सुन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं और गणतंत्र से अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन अभूतपूर्व बनाते हैं, ऐसे भव्यजनों के लिए आपकी तालियां निरंतर बजती ही रहनी चाहिए। भव्यजनों, आज आपने बोले हो, भव्यजनों आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आज पटना के पाटलिपुत्र नगर में पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। क्योंकि आज भगवान महावीर का जन्म कल्याण महोत्सव 2621। क्योंकि आज परम पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा दिवस समारोह है और इस दिवस समारोह के अवसर पर आज सुबह की विला में गुरुदेव ने चार बातों के माध्यम से अपनी बात रखी, इस पार उस पार बेड़ा पार और बंटाढार और बेड़ा पार, इस चार आज की बातें हैं। कल की सही, गुरुदेव ने चार बातों के माध्यम से हम सबको उपदेश दिया और ये उपदेश हमारे जीवन को उस दिशा की ओर जाने वाला हुआ जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। और आज हमने गुरुदेव के जन्म दीक्षा दिवस के अवसर पर उनका दीक्षा ग्रहण मानने का प्रयास किया। ये साधु परमेष्टि हैं, इनकी हम क्या कर पाएंगे वंदना, क्या कर पाएंगे अर्चना, ये अभूतपूर्व हुआ करते हैं। इनका आज 35वां दीक्षा दिवस मनाया। एक ओर जहां भगवान का जन्म हुआ, वहीं दूसरी ओर इसी बिहार में सरेन सोहनी के घर में एक लाल जन्मा नवीन के रूप में। और नवीन अपने आप को इतना नूतन करता गया कि 17 वर्ष की अवस्था में परम पूजाचार्य गुरुदेव चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। समर्पित करते ही उस नवीन ने 4 वर्षों के अंतराल में ही जैनत्व अंगीकार करके महाराजी देखो सोनागिरी क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव कर कमलों से दीक्षित होकर के नाम पाया प्रमाण सागर। मात्र एक वर्ष लगा गुरुदेव के संग रहे। दूसरे वर्ष में गुरुदेव ने इनकी योग्यता इतनी प्रखर हुई, अलग विहार करने को कह दिया। और जब अलग विहार किया इन्होंने तो पहला चातुर्मास वर्षायोग हमारे गांव में हुआ और वहां से नाम है प्रति नगरी पंडे जी से नाम दिया गुरुदेव ने। उस वहां से जो इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की तो आज विश्व के 167 देशों के लोग इनकी वाणी को सुन करके अपने जीवन को धन्य करते हैं, इनके चरणों में आते हैं। महाराज एक नजर मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, क्या हुआ, क्या देखा गुरुदेव ने? उन्होंने देख लिया था नवीन में नवीनता है, साधुत्व है और साधुत्व को निखारा हमारे परम पूजाचार्य गुरुदेव ने। आज उनका हम दीक्षा महोत्सव मनाकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव चरणों में आप सबकी ओर से 167 देशों में देखने वाले सभी भक्तजनों की ओर से मैं वंदन अर्पित करता हुआ क्या कहता आशीष लेने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी मेरे साथ जुड़े और आशीष लें। नमोस्तु महाश्री। आइए पहले हम प्रश्न के लिए उपस्थित करा रहा हूं श्रीमान अशोक जी जैन पांड्या, गुणातन के महामंत्री निर्माण मंत्री ग्रीडिये से हैं, अनंत मुनि भक्त हैं, जिन्होंने आज अपनी वाणी प्रकट करके जीवन धन्य किया है। अब आप प्रश्न करके अपने जीवन को समाधान प्रदान कराएंगे। तैयार रहेंगे श्रीमान इंजीनियर रमेश कुमार जी, मिनी जी जैन, सुमन सक्ष गुणायतन सतना, सभी केवल प्रश्न करेंगे। अब एक साथ दो वक्ता नहीं चल सकते हैं मंच पे, चाहे तो आप चाहे मैं। महाराज जी के चरणों में, राजू के चरणों में मेरी सत्सत नमन। मेरा प्रश्न बहुत छोटा है और आज की वर्तमान जो व्यवस्थाएं चल रही है उसके संदर्भ में है। बहुत छोटा सा प्रश्न, धर्म और विज्ञान ऐसा प्रतीत होता है, ये मेरा व्यक्तिगत मेरी धारणा नहीं है बल्कि
बहुत बड़ी संख्या के लोगों की धारणा है कि विज्ञान जूजू बढ़ रहा है, विज्ञान का प्रभाव जूजू बढ़ा इन पिछले 30-40 सालों में। विलासिता, सुख साधन जैसे जैसे बढ़े, हम विलासी होते गए, हम उसके दास बनते गए। पहले गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था, लकड़ी के चूल्हों में मेरी माँ और आपके परिवार में आपकी दादी माँ बोलती होगी कि लकड़ी के चूल्हों में खाना बनता था, औरतें व्यस्त रहती थी। चूल्हा आया, रसोई से आपकी व्यस्तता कम हो गई, आपकी व्यस्तता दूसरी तक चली गई। एसी आया, जबकि हाथ के पंखे चलते थे, एसी के बाद पंखा, पंखा के बाद पहले पंखा फिर एसी, और आप कमरों से निकलना बंद कर दिए। खास करके जो आज की बहुएं हैं वो तो जाती नहीं हैं, सासू कहती हैं कि एसी लगा दिया और ये कमरों से निकलना बंद हो गया। टीवी आया, अब टीवी से चिपक गई, मोबाइल आया, मोबाइल से चिपक गई, और तो इसका प्रभाव, ये तो ठीक है आप अपनी सुख सुविधा के संसाधनों को आपने अच्छा जुटाया, लेकिन इसका प्रभाव जो देखने में आ रहा है वो धर्म के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। धर्म से किसी न कि ऐसे तो बहुत धार्मिक दिखते हैं, हमारी क्रियाएं बहुत धार्मिक है, हम बहुत उत्साहित हैं, बड़े बड़े आयोजन, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि धर्म छूट रहा है और विज्ञान हम पे हावी हो रहा है। तो मैं गुरु चरणों में ये जानना चाहता हूँ कि धर्म और विज्ञान में इसमें कैसे हम अंतर करें ताकि दोनों में एक सामंजस्य बना रहे, ये मेरा प्रश्न है। देखिए अशोक जी, अभी ये जो सवाल आप कर रहे हैं, इस सवाल का जो लाभ ले रहे हैं दुनिया के लोग, वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ले रहे हैं। विज्ञान से बहुत सारी अव्यवस्थाएं हुई, टेक्नोलॉजी से भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं हुई है, लेकिन इसने हमारे धार्मिक जीवन को भी बहुत सुगम और सहज बना दिया। यदि हम विज्ञान का धर्म के साथ जुड़कर उपयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ ये विज्ञान हमारी धर्म साधना में सहायी है, बाधक नहीं। और हम केवल विज्ञान के ही चक्कर में फंस जाते, धर्म को भूल जाते हैं, तो ये हमारे लिए महान दुखदायी है। विज्ञान ने सुविधाएं दी, और कोई भी सुविधा तभी तक सुविधा है जब तक उस पर नियंत्रण है। नियंत्रण के अभाव में सुविधा भी दुविधा बन जाती है, और ये नियंत्रण सिखाता है हमें धर्म। इसलिए हर वैज्ञानिक को धार्मिक होना चाहिए और हर धार्मिक को वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए। यदि धार्मिक वैज्ञानिक दृष्टि से संपन्न होगा तो वो कोई भी क्रिया पारंपरिक ढंग से करने की बजाय मौलिक तरीके से करेगा, तार्किक तरीके से करेगा, और उसका परिणाम उसे कुछ और बेहतर मिलेगा। उपस्थित हों इंजीनियर श्रीमान रमेश कुमार जी, मिनी जी जैन, श्रोमणी सक्षम गुणायतन सतना, और तैयार हैं श्री बिमलेश जी जैन फिरोजाबाद, एडवोकेट अनुपचंद जी, अरे सब चलेगा, श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब, संयुक्त महामंत्री गुणायतन हजारीबाग। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि जिंदगी को समझना है तो पीछे की ओर देखो, और अगर जिंदगी को जीना है तो आगे की ओर देखो। इस आगे पीछे के चक्कर में हम जिंदगी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। कृपया मार्गदर्शन दें कि वास्तविक में जिंदगी क्या है। बहुत अच्छा वाक्य है, जिंदगी को समझना है तो पीछे की ओर देखो, और जीना है तो आगे की ओर देखो। आगे पीछे के चक्कर में जिंदगी को समझ ही नहीं पा रहे। आपने चाहा है कि इसमें मार्गदर्शन दें, मैं तो ये कहता हूँ पीछे की ओर देखना भी ठीक है और आगे की ओर देखना भी ठीक है, पर आगे पीछे होना ठीक नहीं है। जो पीछे की ओर देखकर जिंदगी को समझ लेता है, ठीक तरीके से समझ लेता है, वो आगे की तरफ सावधानी से देखते हुए जीना शुरू कर देता है। अतीत के अनुभवों से सीख ले और उस अनुभव का वर्तमान में प्रयोग करे तो हम अपने जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। रमेश जी प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, तैयार रहेंगे अरन बिट्टू, रमेश जी पूछ लें। बिट्टू बिट्टू, हाँ। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, पर हम युवा अपना अधिक से अधिक समय व्यापार में या फिर घूमने फिरने में और अपने शौक पूरे करने में व्यतीत कर देते हैं। ऐसे में महाराज श्री, हम युवा आज धर्म से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में धर्म को अपने जीवन का रोज का अंग कैसे बनाएं,
कि हमारा आगे का जीवन सुधर सके। देखिए, जो व्यक्ति जीवन के मूल तत्व को समझ लेता है उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अगर हमारी प्राथमिकता में धर्म जुड़ जाए तो कोई चीज़ें नहीं छूटती। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन की प्राथमिकता को सुनिश्चित करें। समय काल को देखते हुए धर्म करने के तरीके में परिवर्तन चल सकता है, लेकिन धर्म से विमुख होना कतई उचित नहीं। धर्म हमारे जीवन को संभालता है, तारता है, इसलिए हमें अपनी प्राथमिकता में धर्म को सबसे ऊपर रखना चाहिए। चलिए, उपस्थित हों श्रीमान सुनील जी अजमेर साहब, संयुक्त महामंत्री गुणायतन हजारीबाग, तैयार हैं श्रीमान असित जी अजना जी बैनाड़ा, संरक्षक गुणायतन कोलकाता। पहले कन्हैयालाल जी, श्रीमान गुणायतन संरक्षक श्रीमान कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी हजारीबाग। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा पूछना ये था कि भगवान का मंदिर मंदिर में पूजा होती है, उसमें एक मंदिर का भगवान का हाथ निकल गया है, तो उसका पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये बताइए। अगर भगवान का अंग भंग हुआ है तो कब हुआ, अभी हुआ है कि बहुत पहले से? ना, अभी हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले पूजा तो ठीक है, पहले मंदिर में शांति करो, उसकी विधि विधान से व्यवस्था करो और नए भगवान की प्रतिष्ठा करो। उस भगवान का क्या करें? अंग भंग हो गए उसका पूरा विधि विधान से उनको विसर्जित करना। बेदी जी में रखना उचित नहीं। तैयार है, उसको निकालिए, जहाँ भी हुआ अलग से बात करके उसकी व्यवस्था बता दें। दया मुनि राजू के चरणों में हजारीबाग दिगंबर जैन पंचायत का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं आज पहली बार वैशाली बासोकुंड हम लोग गए, वहाँ हम लोगों ने पूजा अर्चना की, वहाँ मालूम पड़ा कि ये महावीर भगवान की जन्मस्थली है, लेकिन अभी तक हम लोग यही जानते हैं कि कुंडलपुर को जन्मस्थली। तीन दिन से ये चर्चा खूब हो गई, मैंने अपना अभिमत प्रकट कर दिया। और दूसरा सवाल करो। ठीक, नमोस्तु। आगे असित जी अर्चना जी बेनाड़ा संरक्षक कोलकाता उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान राजेश जैन, पूर्व कमिश्नर रीमा भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, देवशास्त्र गुरु के सम्मुख भक्ति करने से निदति निकाचित कर्म कटते हैं, तो हम कैसी भक्ति करें कि निदति निकाचित कर्म भी कटे और जो विशुद्धि भी बढ़े? भक्ति है क्या? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। भगवान की भक्ति ऐसी करो कि बाकी सबको भूल जाओ, और जब सबको भूल कर भगवान में हो जाओगे तो जीवन अपने आप संभल जाएगा। चलिए, आप असित जी पूछ रहे हैं आप? एक ही। चलिए, श्रीमान राजेश जी जैन, पूर्व कमिश्नर रीवा भोपाल निवासी उपस्थित हों। और तैयार रहें श्रीमान नीरज जी जैन, विद्या प्रमाणिक संघ मातुश्री अनिता जी के साथ दिल्ली से। नीरज जी चले गए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरा छोटा सा प्रश्न है। सामान्यता मान्यता ये है कि कई जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के प्रताप से मनुष्य जीवन मिलता है, तो जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन को सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है? भगवान, देखिए, एक बीज होता है ना, बीज, बीज को हम संरक्षित रखते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? बीज का एक ही उद्देश्य है। बीज के संरक्षण का उद्देश्य केवल यही है कि इस बीज को जब कभी हम बोए तो उससे अनेक अनेक बीज उत्पन्न हो। तो मनुष्य जीवन की भी सार्थकता इसी में है कि हम अपने जीवन के इस बीज को बोकर उसमें मनुष्यता के फल अंकुरित कर सके। जो व्यक्ति मानव जीवन पा करके भी मनुष्यता से रहित है, उसका मनुष्य होना ही व्यर्थ। नमस्तु। उपस्थित हों श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा, सहकोषाध्यक्ष गुणायतन गया, इनके साथ उपस्थित हों प्रमाण भक्त मंडल गया, साथ उपस्थित हो जाएं। और तैयार हैं डॉक्टर श्री संजीव जी शराफ, बनारस विश्वविद्यालय। नमोस्तु महाराज जी, हम गया समाज की ओर से आप दोनों महाराज का बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गया में 2005 से पाठशाला चल रही है, इस साल आज के दिन से उसको डिजिटाइज किया गया है, कैमरा वगैरह और वो टीवी वगैरह लगा करें, तो उसको वहाँ की जो संचालिका हैं आशा सेठी वगैरह ने पूछा है, इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं और इसमें क्या क्या हम लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, इसका कैसे प्रोग्रेस? प्रामाणिक पाठशाला के लोगों से संपर्क करो, उनका मार्गदर्शन लो और उसके अनुरूप कार्य करो। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके
पाठशालाओं को संचालित कर रहे हैं, यदि उनका मार्गदर्शन लेके करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। आपकी पाठशाला में ये जो उपक्रम किया गया बहुत स्वागत योग्य कदम है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित हूँ डॉक्टर श्री संजीव जी साफ बनास्पत विद्यालय और तैयार हैं श्रीमान पारस जी संभव जी जैन सुगम संरक्षक गुणायतन आगरा। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमोस्तु। गुरुदेव आपके अकाट प्रमाण जैन धर्म की प्राचीनता और वैज्ञानिकता को जन जन तक पहुंचाने में हम विद्वानों को एक संबल प्रदान करते हैं। मथुरा में देव निर्मित स्तूप और तक्षशिला में सिलेंड्रिकल स्तूप का जो वर्णन जैन स्तूपों का वर्णन आता है कुछ ग्रंथों में ये आता है कि स्तूप जैन धर्म में थूपे के नाम से विख्यात थे, तो यह जो स्तूपों की परंपरा है इनका जैन धर्म में क्या महत्व रहा है, क्योंकि मथुरा भगवान महावीर के पट्ट शिष्य सुधर्माचार्य के शिष्य जम्बू स्वामी जी की मुख्य स्थली भी रही है, इस पर हमारी शंकाओं का समाधान। देखिए बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा डॉक्टर संजीव का आप सब लोग एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये जैन जगत के मूर्धन्य मनीषी विद्वानों में गिने जाते हैं, खासकर जैन इतिहास पर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, निरंतर आगे इसी तरह काम करते रहे, मेरा आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया है कि जैन परंपरा में स्तूपों का क्या संबंध है, जैन परंपरा में स्तूपों के संबंध के संदर्भ में जिसका आपने अभी उल्लेख किया, मैं समझता हूँ सबसे सबल प्रमाण तो वही है जो मथुरा के कंकाली टीला से निर्गत देव निर्मित स्तूप है। देव निर्मित स्तूप मथुरा के एक कंकाली टीला नाम के स्थान के उत्खनन से प्रकट हुआ, जिसके निर्माण काल का किसी को पता नहीं, इसलिए उस स्तूप को देव निर्मित स्तूप कहा जाता है। उस स्तूप से अनेक जैन प्रतिमाएं और एक आयाक पट्ट निकला जो जैन परंपरा के इतिहास को खासकर दिगंबरत्व के इतिहास को और प्रकट करता है। उस स्तूप के संदर्भ में विज्ञानों ने स्पष्ट लिखा है, डॉक्टर फुहरर और विसेंट ए स्मिथ जैसे लोगों ने मथुरा एंड जैनिज्म में जैसे कृतियों में लिखा है कि पूरी तरह जैन स्तूप है, और उससे जो कुशान काली नरनाथ भगवान की प्रतिमा और अन्य शायद 111 प्रतिमाएँ वहाँ से निकली, तो ये सब हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। प्रोफेसर रमेश चंद शर्मा के अनुसार ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार हुआ था, यानी भगवान महावीर के जन्म से पूर्व जिसका जीर्णोद्धार हुआ है तो उसका निर्माण तो भगवान महावीर के पहले हो चुका था, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जैन धर्म को भगवान महावीर से पूर्ववर्ती होने के प्रमाण स्वरूप भी देव निर्मित स्तूप का उल्लेख किया जाता है। यह पुरातात्विक दृष्टि से है। तक्षशिला के स्तूप की भी चर्चा आपने की। हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं तो हमारे ग्रंथों में स्तूपों का अनेक सा उल्लेख मिलता है, खासकर तिलोय पन्नति जैसे ग्रंथ में हमारे सारे अकृत्रिम जिनालियों में अनेक स्तूपों का उल्लेख है। जो हमारे पांडुक वन आदि वन हैं, इन वनों में नंदीश्वर द्वीप है, इनके वनों में जो इस मंदिरों की रचना है उनमें अनेक अनेक स्तूप हैं। और भगवान के समोह सदन में भवन भूमि के सड़क के दोनों किनारे पर 18 यानी एक एक दिशा में 18 कुल 72 स्तूपों का उल्लेख मिलता है, और स्तूपों का आकार भी हमारे शास्त्रों में मिलता है तो उसी अनुरूप है जैसे आज के प्राचीन स्तूप दिखते हैं। इन स्तूपों में अरहंत और सिद्धों की प्रतिमा का भी उल्लेख मिलता है। तो जैन परंपरा में स्तूप हमारे एक प्राचीन पूज्य स्मारक के रूप में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठापित रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए जो हमारे कुछ इतिहास विज्ञ विद्वानों ने स्तूप देख करके ही सीधे सीधे से बौद्ध कह दिया, और ऐसा करके उन्होंने हमारे अनेक जैन तीर्थों या जैन क्षेत्रों की घोर उपेक्षा की, उन्हें चाहिए कि इन तथ्यों को ठीक तरीके से समझकर भारत के इतिहास को ठीक ढंग से रेखांकित कर। उपस्थित हूँ संरक्षक श्रीमान पारस जी संभव जी जैन आगरा से, तैयार हैं आज संस्थापक सदस्य रूप संबद्ध हुए हैं श्रीमान देवेंद्र जी उषा जी जैन जयपुर से। क्या कहूँ उनके लिए जो सूरज के समान हैं, अभी धरती पर हैं मेरे गुरुवर, भविष्य के भगवान हैं।
नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। महर्षि, शंका मेरी ये है बेटा, मेरे साथ में है, आजकल की यूथ जो है जिस तरह से देखती है तो समझती है सारे धर्म एक समान है, तो कहीं भी गुरुद्वारे में या किसी भी मंदिर में या किसी भी जैसे हाथ जोड़ते, तो इनको कैसे ये समझाया जाए कि जैन धर्म कैसे श्रेष्ठ है? देखिए, ये कंसेप्ट आजकल बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है, गॉड इज वन। ये बातें थोड़ी समझने की है, हम सब के प्रति एक सा भाव रखें, मानवता की दृष्टि रखें, ये तो अनुकरणीय है, लेकिन धर्म के संदर्भ में हमें बहुत स्पष्ट दृष्टि रखनी चाहिए। हम धर्म को धारते क्यों, हमारा धर्म क्या है और हमारा भगवान क्या है। जैन धर्म किसी ऐसे भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करता जो जगत कर्ता, जगत नियंता या जगत पालक हो। जैन धर्म कहता है संसार स्वभावतः संचालित है, हम जिनको भगवान के रूप में पूजते हैं वे तो हमारे लिए केवल एक आदर्श और प्रेरणा मात्र है। भगवान हमसे पृथक कहीं नहीं है, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, जो हम हैं वही भगवान है। अंतर यदि कुछ है तो कुल इतना है कि हम में विकार है, वे निर्विकार है। तो हम निर्विकार परमात्मा के चरणों में जाकर अपने जीवन को विकार मुक्त करने की प्रेरणा और प्रार्थना लेकर जाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, पाते हैं और वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं। हमारी पूजा आराधना का मूल मकसद केवल यही है, और वो विकार से निर्विकार हम तभी होंगे जब विकार के कारणों को हटाएंगे। विकार के मूल कारण हमारे अंदर के दोष हैं, दुर्बलताएँ हैं, दुर्गुण हैं। दोष दुर्बलता और दुर्गुणों से जो भरा है वो दुखी होगा, तो हमने अपना आदर्श उन्हें चुना जिनमें कोई मानवीय दोष न हो, दुर्बलता न हो, दुर्गुण न हो। जिसमें दोष दिखे, दुर्बलता दिखे, दुर्गुण दिखे, उन्हें हमने आत्मा के रूप में देखा, और जो दोष दुर्बलता दुर्गुण और दुखों से मुक्त हो गए हमने उन्हें परमात्मा का नाम दिया और उनकी पूजा किया, वही हमारा भगवान है, और उन भगवान में कल हमारा भी स्थान बन सकता है। तो हम उस भावना से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और यही दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। तो हम किसी को भी जब धर्म करने की बात कहें तो उनसे कहें कि बेटा तू कहता तो है पर ये तो समझ कि धर्म है क्या और हम धर्म करते क्यों हैं। जब तक हम धर्म की मूलभूत अवधारणा को स्पष्ट नहीं करेंगे, लोग न तो धर्म के स्वरूप को समझेंगे और न ही उसका लाभ ले पाएंगे। इसलिए वितरागता को जीवन का आदर्श मानने वाला व्यक्ति फिर कहीं किसी भी बातों से कन्फ्यूज नहीं होता। हमारा धर्म किसी भी धर्म का विरोध नहीं सिखाता, धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन धर्म की अवधारणा स्पष्ट रखने की सीख भी देता है। नमस्ते गुरु। उपस्थित हूँ श्रीमान देवेंद्र जी उषा जी जैन जयपुर ट्रस्ट गुणातन, तैयार हैं डॉक्टर श्री के एम जी गंगवाल पुणे। नमोस्तु गुरुदेव, त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान, दोनों ही नकली हो गए आंसू और मुस्कान। गुरुदेव, अच्छे इंसानों की पहचान कैसे करें? बिल्कुल सही है, आंसू और मुस्कान दोनों नकली हो गई हैं। अब हम पहचान कैसे करें, एक किस्सा सुना देते हैं। देवरानी अपने मायके गई, उसके भाई ने उसे एक मोती का चूड़ा दिया। अब जब देवरानी अपनी ससुराल आई, मोती का चूड़ा उसकी जेठानी ने देखा तो अंदर ही अंदर भुन गई, और उसने बड़े भोलेपन को प्रकट करते हुए कहा, अरे बहन, आजकल बड़ा गड़बड़ है, लोग असली बोल करके नकली बता दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, तो एक काम कर, ये चूड़ा मुझे देख, मैं अपने दांतों से चबा के देखूंगी, असली होगा तो नहीं टूटेंगे, नकली होंगे तो टूट जाएंगे। ये मोतियाँ असली होगी तो नहीं टूटेगी, नकली होगी तो टूट जाएगी। देवरानी उसके मनोभावों को समझ गई, उसने कहा, रहने दे बहन, असली मोती को पहचानने के लिए दांत भी असली चाहिए। समझ गए? तो असली इंसान को जानने के लिए हमारी दृष्टि भी असली चाहिए। चलिए, आइए श्रीमान डॉक्टर के एम गंगवाल जी पुणे से, तैयार हैं श्रीमान बिजाजी सरावगी सीए श्रवण शिक्षक गुणायतन कोलकाता, श्रीमती चंदा देवी जी साथ, अपनी माता जी के साथ। गुरुदेव, सीधे सवाल, सीधा सवाल ही पूछा।
गुरुवर, केंद्र सरकार का यह निर्णय है जिसके बारे में आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में एक निर्णय लिया है कि वे 800,000 टन सुअर का मांस अमेरिका से इंडिया में लाने वाले हैं और वो इंडिया के सभी सुपरमार्केट में और मार्केट में बेचने वाले हैं। हम विरोध कर रहे हैं। गुरुवर, आचार्य श्री ने मांस निर्यात के विरोध में बहुत बड़ा अभियान चलाया था, आप भी थे, सुधा सागर जी भी थे, मगर वो सफल नहीं हो पाया। उल्टा अभी ऐसा हो रहा है कि आयात बड़ी मात्रा में हो रहा है, निर्यात भी पिछले 3 साल में बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। गुरुवर, एक जैन के नाते और एक फाइटर के नाते मैं स्ट्रगल करता हूँ, ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी एंड एनिमल वेलफेयर बोर्ड इनके साथ झगड़ता हूँ, तो हम हमारी दिशा भी कैसी रहे? हम बहुत देखिए, आपने बहुत ही दुखदायी बात प्रकट की। आज भगवान महावीर जयंती के दिन ये बात पूरे देश में गूंजनी चाहिए। अगर आपने मुझे पहले अवगत कराया होता तो शायद आज का संदर्भ भी कुछ और होता। लेकिन ये सरकार की अगर ऐसी नीति है तो ये ठीक बात नहीं। पिंक क्रांति के रूप में इसको उठाया जा रहा है। हालांकि एक समय था जब प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो खुद इसका विरोध करते थे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज उनके ही शासन काल में ये नीति पूरी तरह से पलट रही। इस देश में यदि इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा तो भारत अपनी पहचान खो देगा, और न केवल पहचान खो देगा, भारत की समृद्धि भी समाप्त हो जाएगी। आज भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और भारत को अगर हमें इसी तरह से सरसब्ज होते देखना है तो हमें चाहिए कि इस भारत की धरती को रक्त रंजित होने से बचाएं, इसे खूनों से न सींचे। इस भारत में दूध की नदियां बहती थी, उसे बहाने का उपक्रम करें। इसके लिए सारे लोगों को मिलजुल करके पुरजोर प्रतिरोध करना चाहिए। चूँकि आज आपने मुझे बताया है, मैं इसका पूरा विस्तृत स्वरूप जानना चाहूँगा और उसके बाद देश भर के सारे अहिंसा प्रेमी, न केवल अहिंसा प्रेमी अपितु संस्कृति प्रेमियों से भी ये कहूँगा कि सरकार की ऐसी नीति का मुखर विरोध करे, सरकार से सीधे बात करे, ताकि इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके, बचाया जा सके। उपस्थित हूँ गणाधर के सुमन संरक्षक श्रीमान विजय सराव की सीए अपनी मातुश्री चंदा देवी के साथ कोलकाता से, और तैयार हैं गणतंत्र के सचिव अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला, श्रीमती किरण जी काला कोलकाता से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, आप कहते हैं ऊंचाई वे ही छूते हैं जिनमें गहराई होती है। जीवन में गहराई कैसे प्राप्त करें? ऊंचाई वे ही छूते हैं जिनमें गहराई होती है। आपने पूछा है जीवन में गहराई कैसे पाऊँ। देखिए, गहराई को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप को मिटाने के लिए तैयार होना पड़ता। आपने देखा जब हम बीज बोते हैं उसमें अंकुर होता है, और जब अंकुर फूटता है तो उसकी दो तरफ यात्रा होती है, एक ऊपर और एक नीचे। अंकुर ऊपर भी आता है तो नीचे की तरफ भी फैलता है, और इस मध्य बीज मिट जाता है। बीज मिटता है तो उस अंकुर से अन्य और जटाएं फूटती हैं और वो बढ़ करके अपनी जड़ बन जाती है, और वो खुद गहरा होता जाता है, ऊंचाई अपने आप मिलते जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है, और ऊंचाई पाना है तो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ, यानी अपने अहम को मिटा दो। जो मनुष्य अपने अहंकार को मिटा देता है उसके जीवन में विनम्रता आती है, और यही विनम्रता उसके जीवन में नई ऊंचाई प्रदान करती है। नमस्ते गुरु। उपस्थित हूँ गुणाधर के सचिव अध्यक्ष, आप स्थानीय बजा करके इनका हम मेरे साथ बुलाना बनाएंगे, आप इनको बुलाते हैं, उपस्थित करी होगी श्रीमान विनोद जी, श्रीमती किरण जी का ना कोलकाता गुणातन के सचिव अध्यक्ष, स्थानीय बजा का अभिनंदन कीजिएगा। नमोस्तु महाराज श्री। कहते हैं कि जो अपना समय नष्ट करता है वो अपना जीवन नष्ट करता है,
तो समय तो तभी बचाया जा सकता है जब हम उसे अपने सदुपयोग में लाएं या अच्छे कार्य करें, और अगर वो समय हम फालतू के कामों में नष्ट होता है, इधर उधर की बातों में नष्ट होता है, तो वो भी तो समय व्यर्थ ही जा रहा है, मतलब उसमें भी तो जीवन नष्ट को ही कहा जाता है। तो ऐसा क्या उपाय, क्या किया जाए कि हम अपना समय अच्छे कामों में लगाएं जिससे हमारा जीवन और समय बचे? देखिए, समय का नष्ट होना और समय का उपयोग करना दो अलग अलग चीज़ें। समय तो अपनी गति से चल रहा है, अब गति से चल रहा है, यदि हमने उसका सदुपयोग कर लिया तो समय का उपयोग है, और सदुपयोग नहीं किया तो दुरुपयोग है, समय का विनाश है। समय को हम काटते नहीं कि टुकड़े करके उसको डिस्ट्रॉय कर दें, समय को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करना ही समय को खोना है या समय को नष्ट करना है। तो व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करे और ये तय करे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जो चीज़ें करने योग्य है उसे समय पर कर ले, और जो करने के अयोग्य है उसकी तरफ देखे भी नहीं, तभी हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं। जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग ऊंचाइयां छूते हैं, जिनके जीवन का बड़ा लक्ष्य होता है, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। वे अपने काम से काम रखते हैं, प्रयोजन से प्रयोजन रखते हैं, और काम से काम रखने या प्रयोजन से प्रयोजन रख करके चलने वाले होने के कारण उनको उनका समय कैसे बीतता है पता ही नहीं लगता, और बाकी लोग बिना मतलब की बातों में अपना जी उलझाते हैं और उलझ के रह जाते हैं। उपस्थित हों विनोद जी। हाँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज़ में दम लाइए भाई साहब, थोड़े दम होने से मस्ती आती है, जोश आता है, सब कुछ आता है। जय जिनेंद्र। महिलाएं चुप हैं आज, मौन व्रत तो नहीं लिया आपने, बोलिए जय जिनेंद्र। माशी आज यहाँ आकर बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा इसलिए लग रहा है कि इतनी अच्छी आवभगत हुई है, सुबह से इतनी अच्छी रहने की जगह, इतना अच्छा भोजन की व्यवस्था, इतने सब कुछ बहुत ही अच्छा, और इसलिए मैं पटना वासियों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बहुत। आपने हमारे देखा, हम लोगों को देखा है, और गुणायतन परिवार की तरफ से, सेवायतन परिवार की तरफ से, और जो भी बाहर से आए उन सब की तरफ से आपको एक बार फिर धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद। और इससे भी अच्छा इसलिए लग रहा है महाशि कि आज मैं जितने बच्चों को देख रहा हूँ, मैंने इतने बच्चे देखे नहीं है, साथ में लाए हैं, ये माताएँ वाकई में अपने बच्चों का रियली चाहती हैं, क्योंकि उनका कल्याण इसी में होना है कि आप ऐसी जगह लाओ, ऐसे धर्म संस्कार की जगह लाओ कि जहाँ पर कुछ सीख के जाएं। आप सोचते हो टीवी में सब सीख जाते हैं, टीवी में कुछ नहीं सीखते, टीवी में सारी के सारी पांचों इंद्रियां काम नहीं करती। पांचों इंद्रियां कहाँ काम करती हैं? जब महाराषि के सामने आप बैठ कर, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हुए, उनकी आवाज़ को सुनते हुए, उनके सारे सारे प्रभाव को आप उनके परमाणुओं को लेते हो, तो उनके लिए जब बच्चे आप ले आए हो, देखो दो दो बच्चे यहाँ बैठे हैं और बच्चे वहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो नहीं ला रहे हैं अपने बच्चों को, तो आपसे इतना ही अनुरोध करता हूँ, पंचकल्याणक हो रहा है आपके शहर में, पंचकल्याणक हो रहा है, आज जाकर तुरंत एक काम कीजिएगा कि दो फोन लगाइएगा, दो अपनी सहेलियों को लगाइएगा कि बच्चों को लेकर आएँ, परिवार को लेकर आएँ, और पाँचों दिन आएँ। पांचों दिन में जितना लाभ अपने बच्चों को आप दे पाओगे, अपने आप को दे पाओगे, यकीन मानना कि ये लाभ आप कहीं नहीं दे पाओगे। तो ये आपको एक सौभाग्य मिला है, ऐसे सौभाग्य को, तकदीर को आप संचो कर अच्छी तरह से रखना और इसको अच्छी तरह से लगाना। थोड़ी देर पर मैं आऊंगा, समय को उपयोग आप सही तरीके से करना का चाहते हो तो बच्चों को भी साथ में लेकर आना प्लीज़। आप जो माताएँ लेकर आई हैं उन्हें सैल्यूट करता है विनोद काला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप रियली यू लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन। मैं बोलता हूँ, मेरी किरण जो है, बच्चों को हम लोग शुरू से अपने साथ में ले गए, सब जगह ले गए, और अब जब हम लोग जाते हैं तो बच्चे ना नहीं करते, जहाँ जाते हैं विधान में जाते हैं, सब के सब परिवार पूरा साथ में जाता है। ये इसलिए हुआ है कि अब भी वो शुरुआत में हमने ऐसे संस्कार दिए, इसने दिए, मैंने तो कम दिए, इसने ही दिए ज़्यादा, तो इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ऐसे ही करिए, धन्यवाद। उपस्थित हों एक क्वेश्चन भाषा एक क्वेश्चन मेरी तरफ से नहीं है, मेरे संपला जी छाबड़ा कलकत्ते की तरफ से है। क्या वर्तमान में भारतवर्ष में निश्चय रत्नधारी मुनि हो सकते हैं? क्या निश्चय रत्नधारी सिर्फ छायिक सम्यक दृष्टि ही हो सकते हैं? ये दो क्वेश्चन। देखिए, सैद्धांतिक प्रश्न है। निश्चय रत्नधारी मुनिराजों का जो कथन है आगम में है और आज भी हो सकते हैं, पर वो दो रूप में, एक वो
जो सीधे केवल ज्ञान को दिला दे, और एक वो जो उससे पूर्व की भूमिका हो। पूर्व की भूमिका रूप शुद्धोपयोग आज भी मान्य है और उसी के बल पर वे परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उपस्थित हों श्रीमान सुभाष जी रेखा जी जैन अजमेर ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी वास्तुविद दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन। दीजिए सुभाष जी रेखा जी उपस्थित हों अजमेर से। सीता जी हाँ माइक पहुँचाइए, और तैयार हैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन वास्तुविद दिल्ली। जब तक प्रद्युम्न को कर लो, जब तक प्रद्युम्न जी पूछ रहे पहले। हाँ चलिए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री आज 35वें दीक्षा महोत्सव पर आपको 35 बार नमोस्तु। 35 बार ही बस? महाराज जी वैसे 3 बार करते रहे तो मेरे का 35 बार होना चाहिए। चलो ठीक। महाराज जी मेरा दीक्षा महोत्सव से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। हम लोग अपने संसारिक जीवन में रहते हुए जब कोई पर्व होता है, महोत्सव होता है किसी का, हम लोग जाते हैं तो एक परंपरा है, हम लोग उपहार लेके जाते हैं और वहाँ से भेंट स्वरूप रिटर्न गिफ्ट लेके आते हैं। तो हमारे गुरु तो सब निर्ग्रंथ निर अपरिग्रह ही होते हैं, तो हम भक्तों को अपने गुरु के पास ऐसे कौन से उपहार लेके जाना चाहिए जो स्वीकार कर सके, और दूसरा उनसे कैसी उम्मीद करें कि हमें रिटर्न गिफ्ट में किस तरह का उपहार मिले। बहुत बहुत अच्छा सवाल, सार्थक हो जाए। बहुत अच्छा सवाल किया, बात सही है। गुरुजनों के पास यदि आप किसी ऐसे मौके पर आपकी भाषा में आप उनको विश करने जा रहे हैं, आपकी भाषा में बोला, हालांकि सच्चे अर्थों में ऐसे कार्यक्रमों में आप उनकी वंदना करने जाते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, गुरु चरणों में यदि किसी गुरु के शरण में जाकर के आप कुछ पाना चाहते हैं और उन्हें कुछ देना चाहते हैं, कुछ मत करो, अपने जीवन की बुराइयां उनको समर्पित कर दो और अच्छाइयों को ग्रहण करने का संकल्प उनसे ले लो, जीवन तर जाएगा। नमस्ते सुभाष जी रेखा जी उपस्थित हूँ अजमेर से। तैयार हैं श्रीमान सुभाष जी सीईओ गुणायतन एवं चंद्रशेखर जी जैन आर्किटेक्ट गुणायतन विदिशा। नमोस्तु गुरुदेव। भारतीय परंपरा शुरू से संत महात्माओं की परंपरा रही है, शुरू से ही उपदेश मिलते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में लोगों का रुझान धर्म के प्रति बहुत बढ़ रहा है, ये डर के कारण है या आध्यात्म के कारण है? देखो ये धर्म के प्रति रुझान बढ़ रहा है, वर्तमान में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अभी धर्म में बढ़ रहा है, एक जमाना था जब सब में धर्म था। ये मैं ये कहूँगा कि बीच के दिनों में लोगों का धर्म के प्रति रुझान कम हुआ था, लोग भटक गए थे। अब ये स्वर्ण काल आया कि लोग धर्म की तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं, और धर्म के प्रति रुझान बढ़ने की वजह में एक बड़ी वजह है साधु संतों का समागम, उनका संसर्ग। अब आपने पूछा ये धर्म वास्तविक डर के कारण है या अध्यात्म के कारण है? देखिए धर्म तो धर्म के कारण है, कई ऐसे हैं जो डर के कारण भी हैं, कई अपने संस्कारवश भी हैं, कई दूसरों से प्रेरित होकर के भी धर्म करते हैं, और बहुत थोड़े लोग हैं जो धर्म के मर्म को जानकर धर्म करते हैं। पर मैं मानता हूँ लोग धर्म करें, किसी भी तरीके से धर्म करें, जितना आप धर्म करोगे समाज से अधर्म दूर होगा, और जब समाज से अधर्म जाएगा तभी हम समाज को समुन्नत करने में समर्थ हो पाएंगे। उपस्थित हों श्रीमान सुभाष जी सीईओ गुणायतन एवं श्रीमान चंद्रशेखर जी आर्किटेक्ट गुणायतन, और तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल जी संगीता जी सेठी उपाध्यक्ष गुणायतन ट्रस्टी गुणायतन हजारीबाग। परम श्रद्धेय मुनिदेव के चरणों में शस्त्र नमन। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में शस्त्र नमन। गुरुदेव आज प्रश्न नहीं पूछकर दो शब्द बोलना चाहता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो। गुरुदेव आज का ये छोटी सी अंजलि मेरी देना चाहता हूँ। गुरुदेव 14 साल से आपके चरणों में हूँ, आपके चरणों से जुड़ा हूँ, और उसमें मैंने देखा है कि ऐसे तो सब दुनिया जानती है कि आप में कितने गुण हैं, जो 28 मूल गुणों का तो पालन आप कितनी अच्छी चर्या से करते हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन जो मैंने अपना देखा है वही आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। आपकी तरह चार ही गुण बातों पर बात करूँगा। पहला तो है मैनेजमेंट गुरु। गुरुदेव जो आपकी स्किल है R&D करना, फिर उसको डिसीजन लेना, फिर उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर करना, और बाद में मॉनिटरिंग करना, गुरुदेव ये मैनेजमेंट गुरु का जो आपका जो गुण है वो मेरे को बहुत प्रभावित करता है गुरुदेव। दूसरा आपका जो जन कल्याण की भावना, जिसमें आपने भावना योग और ये दूसरी जो चीज़ें की हैं, भावना योग और ये मंगल भावना, ये आपकी जल कल्याण की भावना को दर्शाती है गुरुदेव, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है गुरुदेव।
और अहिंसा और वितरागता के प्रति आपका समर्पण, आपके सारे कार्यकलापों में अहिंसा और वितरागता झलकती है, सारे आपके उपदेशों में अहिंसा और वितरागता झलकती है गुरुदेव, और धर्म प्रभावना के प्रति आपका जो रुझान है, जिस जो विज्ञान और धर्म का आपने सम्मिश्रण गुणायतन के रूप में संसार को दिया है वह अद्वितीय है। मैं आपके चरणों में सच नमन करता हूँ गुरुदेव, गुरुदेव और नमोस्तु गुरुदेव। चंद्रशेखर, नमोस्तु। चलिए, एक दिन मैं ना बोल करके आप लोगों को ही नंबर दे दूंगा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अगर हम तत्व ज्ञान के पूर्व संसार, तत्व ज्ञान के साथ संसार से अगर उदास नहीं होंगे तो हमें शायद जीवन के अंतिम दिनों में निराश होना पड़ेगा, तो हम हमारे तत्व ज्ञान को कैसे बढ़ाएं? तत्व ज्ञान को कैसे बढ़ाएं? बताओ, हीरो की परख सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको कसौटी पे कर, हीरे की परख सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी हार्डनेस को जानना पड़ेगा। हीरे की परख जानने के लिए जोहरी के पास जाना पड़ेगा। थोड़े दिन जोहरी के पास रहोगे, कुछ नहीं भी करोगे तो आदान प्रदान देखते देखते तुम्हें हीरे की परख आ जाएगी। तो सच्चे अर्थों में तत्व ज्ञान को पाना चाहते हो तो तत्व ज्ञानी की शरण में आ जाओ, सब बातें अपने आप हो जाएगी और उनसे जो प्रेरणा मिलेगी वो तुम्हारे जीवन को धन्य करेगी। नमस्ते। उपस्थित हों गणाधन के उपाध्यक्ष, गृहस्थ जीवन के अग्रज श्रीमान अनिल जी, संगीता जी सेठी, अरविंद जी, पायल जी सेठी, हजारीबाग, और तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, सुश्राव का बहन प्रति बहन शकुन दीदी सागर के साथ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जीभ चाहे कितनी भी बार दांत को, दांत चाहे जितनी भी बार जीभ को काटे, फिर भी दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं, तो ऐसा ऐसी क्षमा और संबंध की भावना हम अपने रिश्तों में कैसे लाएं? दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटे, दोनों साथ रहते हैं। आप चाहते हो कि दांत और जीभ जैसी क्षमा और प्रेम कैसे लाएं? दांत और जीभ के जैसे संबंध कैसे लाएं? देखो, मैं एक बात बोलूं, दांत और जीभ दोनों साथ रहते हैं ना, ये प्रेमवश रहते हैं या मजबूरीवश? दोनों दृष्टियाँ। अब बेचारी जीभ के पास कोई चारा ही नहीं बचता, दांत भींचते रहता, बेचारी कटते रहती है। हाँ, जीभ की धैर्य की सराहना करनी पड़ेगी। जब तक जीभ में धैर्य रहता है दांत सलामत रहते हैं। जिस दिन जीभ अधीर होकर कुछ बक देती है तो बत्तीसी बाहर आ जाती। समझ गए? तो अब आपके सवाल के दूसरे पहलू पर मैं आता। दांत और जीभ एक दूसरे के साथ रहते हैं और बड़ा तालमेल बनाकर रहे तो कभी कटता ही नहीं। जीभ कब कटती है? जब वो कुछ ज़्यादा चलने लगती है तो दांत के नीचे आ जाती है। जीभ अगर हिसाब से चले तो कभी कटती है क्या? अगर दांत के बीच रहने पर जीभ कटती हो तो रोज कटे। तो प्रकृति ये संदेश देती है, तुम तो तुम्हारे साथ सामने वाला दांत जैसा कितना भी कठोर क्यों न हो, तुम हिसाब से चलना सीखो, तालमेल बना रहेगा। और तुम थोड़े चपल हो जाओगे तो जीभ दांत के नीचे आएगी। ध्यान रखना, कटती जीभ है दांत नहीं, और दांत कभी लपेटे में आता है तो सफा चट्टा ही होता है, फिर बसता ही नहीं। इसलिए दांत को भी और जीभ को भी, दोनों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए।